विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान व मतगणना कार्मिकों का मतदान गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्य को करने वाले कार्मिकों के लिए डाक मतपत्रों की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी कार्मिक अपने मत का प्रयोग बैलेट बॉक्स में डालकर कर सकता है। इसलिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिक प्रशिक्षण के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों के द्वारा शहर में 192, कैंपियरगंज 49, पिपराइच में 40, ग्रामीण में 113, सहजनवा में 62, खजनी में 42, चौरी चौरा में 38, बांसगांव में 66 व चिल्लूपार में 87 सहित कुल 689 वोट डाला गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, अच्छा बुकी नंबर ना लेकिन से अच्छा सेव करे जाना तो क्यों सेव करा ली लेट कर दिए जाने हां सेव करा लिया लेकिन से इतनी को सेव करा लिए ले ले भाई ये द्वार का हम का नंबर अच्छा ठीक है। हां ये लेटर तो लेट मिला, कल देर तक इशू हुआ है। द्वार हमें 24 पे आशीष कुमार हां मोबाइल नंबर अभी आए ही नहीं है। जाप जा रहा है उनका सीट नहीं, तो सीट में आप नहीं हो रहे हमारे जनपद के जो मतदान कार्मिक हैं, जिनका यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है, उनके लिए यहाँ पर उनके डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। मेरा अनुरोध है, जिनका भी वोट यहाँ पर है, वो ट्रेनिंग के दौरान बीच में जब ब्रेक हो तब आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लगभग अभी तक कितने लोग ये सूचना शाम को हम शेयर कर देंगे कि आज दिन में कितना डाक मतपत्र पड़ा।